तो मैं आज आपको इसके डेंजर साइड इफेक्ट्स और इसकी तमाम डिटेल्स दूंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर बराफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो डिट्रोसिटॉल है और जिसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो टॉलटेरोडीन एल टार्टरेट है। और ये जो टैबलेट है ये 2 mg की टैबलेट है और इसके मैन्युफैक्चरर फाइजर है। और ये जो यूज हो रही होती है ये उन लोगों को दी जा रही होती है जिनको बहुत ज्यादा पेशाब आता है और वो बहुत ज्यादा उससे परेशान होते हैं और बिला वजह पेशाब बहुत आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जा रही होती है। मजीद इसके देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ यूज हो रही होती है। तो ये जो है ओवर एक्टिव ब्लैडर के ट्रीटमेंट में यूज हो रही होती है, खासतौर उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं यूरिनरी अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस, उसको ये ट्रीट करने में यूज हो रही होती है। यानी कि पेशाब बहुत ज्यादा जिसको आता है और कंटिन्यूसली यानी काफी हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रहा है तो ये उसके लिए दी जा रही होती है और ये अच्छी मेडिसिन है बहुत। तो चले अब इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी देख लेते हैं, यानी डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये जो है दूसरी एंटी मस्करेनिक ड्रग्स की तरह ये भी जो है ये माइल्ड टू मॉडरेट जो है वो ड्राइनेस ऑफ द माउथ कॉज कर सकता है, डिस्पेप्सिया कर सकता है। माउथ ड्राइनेस ऑफ द माउथ यानी कि मुंह में जो है खुशपना और सूखा सूखा जो मुंह नहीं होता उस वोली कंडीशन को, डिस्पेप्सिया यानी कि इससे इंडाइजेशन हो सकती है, बदहजमी हो सकती है और जो दूसरे GI के प्रॉब्लम्स हैं वो इससे हो सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इससे रिड्यूस लैक्रिमेशन हो सकती है यानी कि आंसू आंखों में जो पानी होता है वो कम हो सकता है। इससे क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि हर मेडिसन्स के होते ही होते हैं उसमें वो डेटा बता रहे हैं कि क्या मालूम हुआ है। तो उससे ये मालूम हुआ है कि इससे जो है बहुत ये वाले साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे इससे जो इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, खासतौर साइनसाइटिस हो सकता है। इससे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर यानी कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उस पर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। साइकेट्रिक यानी कि हमारे जो दिमाग है उसके ऊपर जो इसके असरात होते हैं उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, बंदा जो है वो जुजबुज यानी परेशान होता है और कन्फ्यूज होता है। नर्वस सिस्टम यानी कि वही हमारे दिमाग में उसमें भी इसके असरात होते हैं, उसमें ये डिजीनेस कर सकता है यानी कि गुनूदगी बहुत ज़्यादा होती है, हेडेक यानी सर में दर्द हो सकता है, सोमनोलेंस यानी कि बहुत ज़्यादा नींद का आना और यू फील होना जैसे अभी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। आई डिसऑर्डर यानी आंखों पे भी इसके असरात होते हैं, जैसे एबनॉर्मल विजन यानी कि इसमें सही नहीं दिखता, धुंधला दिखता है और दिखने में मुश्किल होती है। ड्राई आईज यानी कि आंखें जो सूखी सूखी फील होती हैं और मिर्चें जो होती हैं वगैरह। एयर और लेबरिन डिसऑर्डर यानी कि इसमें हमारे जो कान है उनके ऊपर सुनने की सलाहियत पे भी असरात होते हैं, खासतौर उसमें वर्टिगो हो सकता है। इसके अलावा देखें तो इसके हमारे वैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं इससे, जिसमें फ्लश स्किन हो सकती है। GI डिसऑर्डर यानी कि हमारे पेट पे और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे भी इसके असरात हैं, ऐसे ड्राई माउथ मैंने जैसे पहले बताया। एब्डोमिनल पेन यानी कि एब्डोमिन एरिया में पेन बहुत ज़्यादा होता है, दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो सकती है, इससे डिस्पेप्सिया यानी कि वही इंडाइजेशन और जो दूसरे फ्लैटुलेंस वगैरह, गैस यानी बहुत ज़्यादा होती है, गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स GERD जिसे बोलते हैं ये भी इससे होता है। रीनल और यूरिनरी डिसऑर्डर्स यानी कि हमारे जो किडनी गुर्दों पे और हमारे जो यूरिनरी सिस्टम यानी कि उसके ऊपर ये डिसयूरिया कर सकता है, यूरिनरी रिटेंशन बहुत ज़्यादा कर सकता है यानी कि इससे पेशाब रुक जाता है और पेशाब ना आए वो ये कर सकता है। जनरल डिसऑर्डर्स में देखें तो ओवरऑल उसमें ये फैटीग कर सकते हैं, इससे थकावट हो सकती है। अब जो ये नीचे पोस्ट मार्केटिंग यानी कि अब मार्केट में आ गई है, अब उसके बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट्स लोगों को फील हुए, तो उसमें इम्यून सिस्टम यानी हमारे जो कुव्वत मुदाफियत है उस ऊपर इसका इफेक्ट आता है। तो एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो दिमाग के डिसऑरेंटेशन हो सकती है, हेलुसिनेशन हो सकती है। हेलुसिनेशन वो चीज़ होती है जो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सुनने वाली भी हो सकती है, वो देखने वाली भी हो सकती है, तो वो भी इससे हो सकती है। नर्वस सिस्टम में देखें तो मेमोरी इंपेयरमेंट, याददाश्त पर इसका थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। दिल के ऊपर भी इसके असर आते हैं। हमारे कार्डिक डिसऑर्डर यानी कि टैकीकार्डिया यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पल्पिटेशन होती है यानी कि इससे जो एक जो फड़कना होती है जो बोलते जाते लोग जैसे उंगलियां फड़क रही हैं ऐसे करके, इस कंडीशन की कॉज कर सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में ये डायरिया कर सकती है यानी पेट खराब। स्किन हमारे जो खाल है और जो इसके जो टिश्यू है उसमें एंजियोडीमा कर सकता है यानी कि सूजिश कर सकता है, यहाँ पे फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाती है जो कि खतरनाक होता है। इसके अलावा इससे पेरिफेरल एडिमा हो सकता है और इसमें देखें तो ये जो है डिमेंशिया कॉज कर सकता है, कन्फ्यूजन कर सकता है, डिसऑरियंटेशन डिल्यूजन कर सकता है इससे, यानी कि ये सारी चीज़ें इससे रिपोर्ट हुई हैं कि जो ये कॉज करता ही करता है। यहाँ पे आप देखें इसके ओवरडोज भी आए हुए कि इससे क्या होता है, अगर ओवरडोज बहुत ज़्यादा होता है तो पेशाब बिल्कुल भी नहीं आता और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जो इसकी जो दूसरी जो ऊपर आपको मैंने साइड इफेक्ट बताई इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और इनके चांसेस भी फिर मजीद बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे आप देखें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बोल रहे हैं कि इसका इतना डेटा उन्होंने अभी तक प्रेगनेंट वुमेंस पर जो है वो उन्होंने नहीं इसको किया, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये इफेक्ट करेगा या नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप इसको यूज़ करें, वैसे खुद से यूज़ ना करें, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान से यूज़ करना है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। इसके लिए आप अपने फार्मेसिस्ट से भी पूछ सकते हैं मज़ीद। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स।
अच्छा इसकी मजीद डिटेल्स, इसके ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और ये आपकी केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और इसको अपने फिजिशियन के कंसल्ट के बगैर बिल्कुल भी नहीं यूज करना आपने, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल हो या कोई भी इससे मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये मेडिसिन परचेज करनी हो या आपको कोई और मेडिसिन लेनी हो तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दिया गा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर तुराफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।